चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैग्नेटिक द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ओ इन द फिगर शोन इज, कितनी होगी मैग्नेटिक फील्ड सेंटर ओ पे? ये ओ है, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है, अगर मैं इसको कहूँ, ये है ए, ये बी, ये सी और ये डी, तो ए बी के एक्सिस पे ओ है, तो इसकी वजह से ए बी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी। सी डी के एक्सिस पे भी ओ है, तो इसकी वजह से भी जीरो होगी। तो ए बी और सी डी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जीरो, क्योंकि एक्सिस पे एम्पियर सर्किट लॉ में हम लोग ऑलरेडी डेरिवेशन कर चुके हैं कि एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है, बी इज प्रोपोर्शनल टू आर इन साइड द वायर, ठीक है। और स्पेशली ये डीसी करंट के लिए है, डायरेक्ट करंट के लिए है, एसी के लिए नहीं है, डायरेक्ट करंट के लिए बी इज प्रोपोर्शनल टू आर है, यानी आर अगर जीरो हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो हो जाएगी, यानी एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है। अब बात आती है इस कॉइल की वजह से और इस कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। तो अगर मैं मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करूं, जिसमें कर्व जो है वो करंट को डायरेक्शन बता रहा है और थंब जो है मैग्नेटिक फील्ड को बता रहा है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड होगी, छोटे वाले रेडियस की वजह से, इस वाले छोटे वाले सेमी सर्किल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्ड होगा बी वन, जबकि बड़े वाले सर्किल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड होगा। तो बी टू का डायरेक्शन बी टू की वजह से, ऊपर वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन आउटवर्ड होगा। अब दोनों में से मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा किसकी होगी, बी वन होगी कि बी टू होगी? तो पहले बी वन की वैल्यू निकालते हैं, क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है, मैं इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिख देता हूं, तब स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर कर्व सरफेस कर्व वायर के लिए क्या है, बी इज इक्वल टू थीटा अपॉन टू पाई यानी 360 इंटू म्यू नॉट आई अपॉन टू आर, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो पहले केस, पहला भी एक सेमी सर्कल, दूसरा भी एक सेमी सर्कल, तो दोनों केसेस के लिए क्या होगा, थीटा की वैल्यू, इस थीटा की वैल्यू दोनों केसेस के लिए 180 डिग्री होगी, 180 डिग्री हो दोनों केसेस के लिए। तो पहले वायर यानी छोटे वाले सेमी सर्कल के लिए में क्या होगा, 180 बाय 360 इंटू म्यू नॉट आई अपॉन टू आर वन, और दूसरे वाले के लिए बी टू इज इक्वल टू 180 बाई 360 म्यू नॉट आई अपॉन टू आर टू। अब ये तो 1/2 हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा, तो मैं यहाँ इसको लिख दे रहा हूँ, बी वन की वैल्यू 1/2 म्यू नॉट आई अपॉन टू आर वन, ठीक है, बी टू की वैल्यू 1/2 म्यू नॉट आई अपॉन टू आर टू, करेक्ट है। तो न्यूमरेटर तो दोनों का सेम है, ध्यान से देखो, न्यूमरेटर दोनों का सेम है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा, तो यहाँ 4 पाई, ये 4 आ रहा है, ये भी 4 हो रहा है, तो 4R1 4R2, तो 4 को दोनों में है, R1 R2 में कौन छोटा है, R1 छोटा है R2, सॉरी उल्टा लिख दें, R1 छोटा है R2 के, इसलिए क्या होगा, B1 बड़ा होगा B2 से, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, B1 माइनस B2, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड होगी, किधर होगी, क्योंकि B1 की डायरेक्शन इनवर्ड है, B2 की डायरेक्शन आउटवर्ड है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो, म्यू नॉट आई अपॉन 4R1 माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 4R2, तो बी नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, ये मेरे पीछे मैंने लिख दिया, इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं, बी नेट यहाँ लिख देते हैं, तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ये पोर्शन को इरेज कर देता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर से लिख देता हूँ, ठीक है, म्यू नॉट आई कॉमन हो गया, 4 भी कॉमन हो गया, तो 1/R1 माइनस 1/R2 हो गया, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 1/R1 ये वाला सही है, पहला वाला ही ऑप्शन ज़्यादा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।